हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर इंट्राडे पोजीशन में आपने लिया हुआ है और आप उस पोजीशन को डिलीवरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लाइव और प्रैक्टिकली बताऊँगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग के पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करने के पीछे कुछ भी रीजन हो सकता है, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपको उस शेयर में लॉस हो रहा हो, इसलिए आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि आज मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, कल हो सकता है अच्छे से करे, या फिर इन फ्यूचर ये शेयर अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दे। तो इसके पीछे कुछ भी रीजन हो सकता है कैरी फॉरवर्ड करने के पीछे, लेकिन इस वीडियो में आपको सिर्फ प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आपको किसी शेयर को कैरी फॉरवर्ड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर डैशबोर्ड वाले टैब पर आ जाना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इक्विटी इंट्राडे पोजीशन हमने लेकर के रखा हुआ है। एक पोजीशन है जिसमें हमने 5 शेयर खरीदा हुआ है। शेयर है पीएनबी का, एनएसई में हमने खरीदा हुआ है। मार्केट प्राइस अभी 44.55 रुपए चल रहा है और एवरेज प्राइस 44.65 रुपए चल रहा है। तो मुझे यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा वो आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं सारी चीजें। सो आज मुझे यहाँ पर लॉस हो रहा है, मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूँ नेक्स्ट डे के लिए। अगर मैं इंट्राडे में ही रहने दूंगा तो मार्केट क्लोज होने से पहले पहले इस शेयर को स्क्वायर ऑफ भी मुझे करना होगा, मतलब 3:20 से पहले पहले ही करना होगा। उसके बाद ब्रोकर आपका खुद से इसको स्क्वायर ऑफ कर देगा अगर आप भूल जाते हैं या फिर आप नहीं करते हैं अपने से। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जब अगर आपका स्क्वायर ऑफ ऑटोमेटिकली होता है, जैसे ब्रोकर आपके इस पोजिशन को काटेगा तो आपसे पेनाल्टी के रूप में चार्जेस भी लेता है। तो ध्यान रहे कि आप 3:20 से पहले पहले ही आप अपने पोजीशन को काट लें। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इस शेयर को मैं होल्ड करके रखना चाहता हूं क्योंकि मुझे लॉस हो रहा है। हो सकता है कि ये लॉस बहुत बड़ा हो या ये लॉस बहुत छोटा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूं, इंट्राडे पोजीशन लेकर के रखा हुआ हूं और मेरा मूड बदल गया कि मैं इसको होल्ड करना चाहता हूं लॉन्ग टाइम के लिए, तो मैं इसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करूंगा। तो इसके लिए सिंपली यहां पर आपको क्लिक करना है, फिर नीचे की तरफ आना है और यहां पर देखिए कन्वर्ट टू डिलीवरी का ऑप्शन आ रहा है। अभी हमने इंट्राडे में लेकर के रखा हुआ है, अब इसको डिलीवरी में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको यहां पर क्लिक करना होगा। इसके बाद देखिए आपके सामने यहां पर ऑप्शन आ रहा है क्या, कितने क्वांटिटी को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। आप यहां पर चाहें तो हमारे पास टोटल कितना है, 5 इंट्राडे पोजीशन है। अगर हम लोग चाहें कि 2 इंट्राडे पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो यहां पर 2 भी डाल सकते हैं, तो यहां पर अपने अकॉर्डिंग नंबर डाल सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर 5 के 5 शेयर को मैं कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूं, तो यहां पर 5 ही रहने दूंगा, एनएसई में है। तो सारी चीजें यहां पर देखिए अभी डिलीवरी में कन्वर्ट होने वाला है। इंट्राडे हमने लिया हुआ है तो टाइप है इंट्राडे अभी, लेकिन डिलीवरी में वो हो जाएगा कन्वर्ट। तो यहां पर कन्वर्ट टू डिलीवरी पर मैं क्लिक किया, अभी आप यहां पर देख सकते हैं हमारा कन्वर्जन सक्सेसफुली हो गया है। तो पीएनबी का शेयर था, फ्रॉम इंट्राडे में था, अभी क्या हो गया, डिलीवरी हो गया है। तो अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। अभी मैं फिलहाल यहां पर डन पर क्लिक करता हूं और वापस हम लोग डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो इंट्राडे का पोजीशन था वो यहां से हट गया है और हमारे डिलीवरी में आ गया होगा। अभी आप लोग यहां पर देख सकते हैं पीएनबी का जो शेयर है, 5 शेयर हमने लिया हुआ था, वो कन्वर्ट हो चुका है डिलीवरी में। तो अब इसको मैं आज ही के आज सेल करने का कोई मजबूरी नहीं है, इसको मैं चाहूं तो कितने भी लंबे समय तक के लिए इसको होल्ड करके रख सकता हूं। तो इस तरह से किसी इंट्राडे पोजीशन को डिलीवरी में कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।